खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बाप ने अपने 3 वर्ष के पुत्र की निर्मम हत्या कर दी है। बताते चले कि सीतापुर जनपद के थाना सदरपुर क्षेत्र के कुंजीपुरवा गांव का है, जहां पर कलयुगी बाप ने अपने पुत्र को गन्ने के खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जब बच्चे की माँ सोकर जगी तो बेटे को पलंग पर नहीं देखा तो शोर मचाने लगी और कहने लगी कि मेरा पति ही मेरे बेटे को लेकर गया है, क्योंकि पति पत्नी का विवाद चल रहा था। पुलिस ने बच्चे को माँ को सौंप दिया था, इसलिए कलयुगी बाप ने यह कदम उठाया। वहीं गांव वाले खेत पहुंचे तो हत्यारा पिता बबलू बच्चे को गोद में लेकर बैठा था। गांव वालों को देखकर भागने की कोशिश की, मगर इसकी सूचना पहले ही पुलिस को दी जा चुकी थी। पहुंची पुलिस 112 ने हत्यारे बबलू को दबोच लिया। वहीं पिता का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ससुराल वालों को फंसाने के कारण वह अपने पुत्र की ही हत्या कर दी। आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जो आज घटना हुई इसके बारे में क्या कहेंगे? आज कुंजीपुरवा ग्राम कुंजीपुरवा थाना सदरपुर में एक 3 साल के बच्चे को एक गन्ने के खेत में उसके सगे बाप ने करीब जो इसका नाम बबलू है आज गला दबा के इसकी हत्या कर दी है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, इसके सगे पिता बबलू को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ बॉडी का पंचायतनामा भर नियमित भेजा गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर से जनमत न्यूज़ के लिए अनूप पांडे की रिपोर्ट।